अब हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों 2.4 एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसके लिए सबसे पहले मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा डिवीजन, हाउ टू डिवाइड। तो डिवाइड के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वैसे पिछली वीडियो में मैंने डिवाइड के कुछ क्वेश्चंस बताए थे, जैसे कि ये क्वेश्चन है डिवाइड का, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4, इससे डिवाइड करना है हमने। ठीक है, देखो कैसे डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, ये डिविडेंड है बच्चों, ये डिवाइजर है। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करेंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। तो एक्स एक्स क्यूब को कट के एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर ऊपर लिख दिया, एक्स स्क्वायर से अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 4 प्लस के 4 एक्स स्क्वायर। अब एक लाइन छोड़ के लाइन लगानी है, अब साइन चेंज करने है। ये प्लस का साइन इसकी जगह माइनस, प्लस का साइन इसकी जगह माइनस। ठीक है, जो नया साइन आया बच्चों, अब ध्यान रखना जो नया साइन आया है उसे हमने यूज करना है, और पुराने वाले साइन को क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। पुराने वाले साइन को क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का, प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब कट गया, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स स्क्वायर, ये बन गया माइनस के 5 एक्स स्क्वायर। ऊपर से इन दोनों टर्म्स को नीचे उतार लेंगे, एरोज मत लगाना, समझाने के लिए लिखा है सिर्फ मैंने ये। अब हमने ये डिविडेंड नया आ गया, नए डिविडेंड और ये हमारा पुराना डिवाइजर। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म उठाओ माइनस 5 एक्स स्क्वायर, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स कट के देखो बच गया माइनस 5 एक्स, तो इससे ऊपर कर लो माइनस 5 एक्स, माइनस 5 एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 5 एक्स और एक्स, माइनस 5 एक्स स्क्वायर, माइनस 5 एक्स और 4 माइनस के 20 एक्स। एक लाइन छोड़ के लाइन लगाई, और इसके साइन चेंज करने हैं, माइनस से प्लस बनेगा, माइनस से प्लस बनेगा। जो पुराने साइन है, पुराने साइन क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, पुराने साइन डिस्कार्ड हो जाएंगे, ये वैल्यू कट जाएगी। माइनस के 14x और प्लस के 20x कितना बन गया, प्लस के 6x माइनस के 24। अब हमने बनाने 6x, किससे 6x बनाने, किससे x से, तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या 6, तो प्लस का 6, प्लस के 6 और 6x, 6x प्लस के, प्लस के 6 और प्लस के 4, प्लस के 24, प्लस के 24, यहां हमारे पास प्लस का 24 था, प्लस के 24। ओके, अब क्या करना है, एक लाइन छोड़ के लाइन लगानी है, यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये साइन क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड। बच्चों जो ग्रीन पेन से कर रहा हूं ये मत लगा के आना पेपर में, ये सब समझाने के लिए यूज कर रहा हूं ग्रीन पेन। ठीक है, वैसे ये एरोज, ये एरोज नहीं लगेंगे, ये ग्रीन पेन से लगा रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए, पेपर में नहीं कट जाना ये ग्रीन पेन वाला काम। तो ये कट गया और ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो इस तरह से डिवीजन चलती है। अब एक और डिवीजन समझाता हूं, मान लो हमने डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 से। देखो इसमें एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स सभी टर्म्स थी, इसमें है नहीं, इसमें एक्स क्यूब के बाद सीधा कांस्टेंट आ गया, एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यूज नहीं है, टर्म नहीं है, तो इसे कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे डिविडेंड ये डिवाइजर ये, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म बनाएंगे एक्स क्यूब और एक्स, एक्स से कटिंग का एक्स क्यूब, ये रह गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब। अब इसमें एक फर्क है बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हुआ, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आती है, जैसे एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आती है। और यहां पे देखो एक्स स्क्वायर है नहीं, जो टर्म ना हो ना उसे सेपरेट अलग लिख लो, जो लाइक टर्म ना हो उसे सेपरेट अलग लिख लो। अब इसके साइन चेंज कर दो, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये भी वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी, ये भी वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी, ये वाला सॉरी ये साइन डिस्कार्ड हो जाएगा,
एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। अब जब नई डिविडेंड लिखना है, जब नई टर्म लिखनी है, एक चीज याद रखना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। किसमें लिखनी है? डिग्री की, डिग्री के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इन दोनों, ये दो टर्म्स बची, दोनों में से सबसे बड़ी डिग्री कौन सी? एक्स स्क्वायर। तो पहले एक्स स्क्वायर लिखनी है, उसके बाद उससे छोटी टर्म लिखनी है। तो याद रखना ये स्टेप जरूरी है, अगर ये स्टेप गलत लिख दिया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमने पहले माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस का वन। अब हमने माइनस एक्स स्क्वायर बनाने, किससे? से एक्स से, इसे कट किया, माइनस एक्स कितना आ गया? माइनस एक्स से उत्तर कर लो, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स। देखो ये माइनस एक्स वाली टर्म है नहीं, वो भी मैंने साइड पे लिख ली, माइनस एक्स। ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, ये वाली कट गई। अब देखो कॉन्स्टेंट और इसकी डिग्री क्या है? वन। तो बड़ी वाली वैल्यू ये हुई, तो हम पहले ये लिख लेंगे प्लस का एक्स प्लस का वन। अब इससे क्या करेंगे? प्लस वन से, प्लस वन से इसे करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स प्लस वन। माइनस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर क्या गया? तो अगर कोई वैल्यू ना हो, अगर कोई टर्म प्रेजेंट ना हो, तो हमने क्या करना है? उसे साइड में लिख लेना, उसे साइड पे लिख लेना अगर लाइक टर्म ना हो। पर जब उसको नई डिविडेंड, नया डिविडेंड या नई लाइन में लिखना है, कट करने के बाद नई लाइन में लिखना है, तो एक चीज याद रखना उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ी डिग्री पहले, फिर उसके छोटी डिग्री, फिर उससे छोटी डिग्री, फिर उससे छोटी डिग्री। अब ये दो टर्म थी हमारे पास वन, ये तो कट गया बच्चों, तो ये दो टर्म्स बची, ये दो टर्म्स एक कांस्टेंट और एक एक्स स्क्वायर। तो इनमें से बड़ी टर्म कौन सी है? एक्स स्क्वायर वाली, तो एक्स स्क्वायर पहले लिखा फिर वन। अब देखो यहां से ये कट गया, यहाँ पे कांस्टेंट और एक्स की डिग्री वन, बड़ी डिग्री किसकी है? एक्स डिग्री वन, तो पहले वो लिखा फिर ये लिखा। तो इस हिसाब से ये चीज याद रखना, ठीक है? ये तो हो गया डिवाइड। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फाइव। फर्स्ट पार्ट तुम लोगों को करवा चुका हूं बच्चों, इसका लास्ट वीडियो में, ठीक है? सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो इसे कैसे सॉल्व करते थे हम, क्या करते थे? पहले इसके फैक्टर बनाते थे, जो लास्ट ये इसके फैक्टर बनाते थे, क्या लिखते थे? द फैक्ट प्लस माइनस वन। देखो फाइव किस किस से डिवाइड होता है, फाइव को कौन कौन डिवाइड करता है? एक तो वन, एक माइनस वन, एक प्लस फाइव और एक माइनस फाइव। तो ये चार आए, आर द फैक्टर ऑफ फाइव, फाइव के फैक्टर है। प्लस माइनस फाइव का मतलब ये होता है प्लस वन माइनस वन, इसका मतलब होता है प्लस फाइव माइनस फाइव। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। कब तक पुट करनी है? जब तक हमारे पास एक जीरो एज अ रिमाइंडर ना आ जाए। तो हमारे पास पी एक्स क्या है? पी एक्स में ये वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। पहले हम प्लस वन पुट करेंगे, वन क्यूब माइनस थ्री, वन स्क्वायर माइनस नाइन, वन माइनस फाइव, वन माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव। देखो कट करके मेरे पास वो वैल्यू नहीं आएगी, ये आ गया फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, माइनस के सिक्सटीन। तो इसका मतलब प्लस वन इसका फैक्टर नहीं हुआ, प्लस वन इसका फैक्टर नहीं हुआ, ठीक है? अगर मेरे पास जीरो नहीं आई, मुझे क्या चाहिए? रिमाइंडर जीरो चाहिए था, मेरे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब प्लस वन इसका फैक्टर जीरो नहीं हुई। तो अब हम क्या करेंगे? पहले से मेरे पास वैल्यू नहीं आई, पहली वैल्यू पुट की, मेरे पास जीरो नहीं आया। अब मैं क्या करूंगा? सेकंड वैल्यू पुट करूंगा। मैं क्या करूंगा? सेकंड वैल्यू, पी की वैल्यू माइनस वन पुट करूंगा, माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन क्यूब थ्री माइनस वन स्क्वायर नाइन माइनस वन माइनस फाइव, माइनस क्यूब माइनस वन, माइनस थ्री इंटू माइनस माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस, प्लस के नाइन, माइनस के फाइव, माइनस फाइव एंड थ्री एट एंड नाइन, ये बन गया माइनस नाइन एंड प्लस नाइन, ये कट के क्या आ गया? जीरो। अब देखो यहां पे मेरे पास रिमाइंडर जीरो आ गया। अब मेरे पास एक्स की वैल्यू के लिए, इस मीन्स एक्स इक्वल्स टू माइनस वन वैल्यू के लिए पी एक्स की वैल्यू क्या आई? पी माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। अगर मैंने एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट की, तो उसके लिए इसकी वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब फैक्टर क्या बना? जीरो से फैक्टर कैसे बनता है? वैल्यू को उधर ले जाओ, तो इसका मतलब एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, जो पी एक्स गिवन है उसका ये फैक्टर है।
क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ गया। याद है हमने किया था फैक्टर थ्योरम में, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो इसका मतलब वो वैल्यू उसकी जीरो होगी और वो उससे उसका फैक्टर बन जाएगा। इसका मतलब एक्स प्लस वन क्या है, उसका फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस इस पॉलिनोमियल को एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे, इस पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड करने के लिए यहां पे एक रफ कॉलम बना लेते हैं, ये रफ कॉलम है। हमें क्या चाहिए, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब, क्या बनाना है इससे, एक्स से बनाना है, एक्स से कट करके क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ गया एक्स क्यूब। उसके बाद एक्स स्क्वायर को वन से किया प्लस के एक्स स्क्वायर बाय डिफॉल्ट वन माइनस माइनस ये कट गया, क्या बचा माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, जो अभी समझा के हटा था तुम लोगों को, ऊपर से दोनों टर्म्स आ जाएंगे माइनस नाइन एक्स माइनस के फाइव माइनस नाइन एक्स माइनस के फाइव। अब हमने क्या बनाना है, माइनस के फोर एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स स्क्वायर किससे बनाना है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से, एक्स से कट करके कितना बचा माइनस फोर एक्स, तो लग गया यहाँ पे माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन माइनस फोर एक्स, वैल्यू साइन चेंज, ये कट जाएगी वैल्यू, माइनस के नाइन एक्स और प्लस के फोर एक्स माइनस के फाइव एक्स माइनस के फाइव, तो ये कितना आ गया माइनस के फाइव एक्स चाहिए किससे, एक्स से कट करके आ गया माइनस फाइव, तो माइनस फाइव यहाँ पे ये बन गया माइनस के फाइव एक्स माइनस के फाइव, साइन चेंज कर लो प्लस प्लस, ये भी कट गया ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास जीरो, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास जीरो, ठीक है। और रिमाइंडर जीरो आ गया तो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद क्या करते होते थे बच्चों हम, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बचती थी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी हम उसके क्या करते थे मिडल टर्म स्प्लिट बनाते थे, मिडल टर्म स्प्लिट वैसे ही याद है मैंने बताया था तुम लोगों को, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके मिडल टर्म स्प्लिट होंगे, और क्यूबिक पे हिट एंड ट्रायल, और हिट एंड ट्रायल मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती है उसके फैक्टराइज मिडल टर्म स्प्लिट से होते, तो इनडायरेक्टली ये कह सकता हूं हिट एंड ट्रायल मेथड में मिडल टर्म स्प्लिट भी लगता है, हिट एंड ट्रायल मेथड में मिडल टर्म स्प्लिट भी लगता है, इसके फैक्टर बनाते हैं। ये बन गए इनके इसके फैक्टर बच्चों, तो इसका मतलब एक फैक्टर हमारे पास पहले आ गया था x प्लस वन, दो फैक्टर ये आ गए, और x माइनस फाइव आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, क्लियर। अब बच्चों तुम लोग यहां पे कहोगे कि सर दो फैक्टर सेम आ गए, बच्चों तीनों के तीनों फैक्टर भी सेम आ सकते हैं, तीनों के तीनों फैक्टर अलग भी आ सकते हैं, हो सकता है कोई दो फैक्टर सेम आ जाए जैसे यहां पे आए हैं, ये जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों अलग आए, सेम भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके चार पार्ट है बच्चों, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड में अब करवा चुका हूं, फर्स्ट पहली वीडियो में हो गया, लास्ट सेकंड वीडियो जो की थी सेकंड पार्ट अब करवा दिया, अब करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, थर्ड है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब 20 के फैक्टर बनाते हैं, 20 के क्या बनेंगे, लास्ट टर्म 20 है, 20 के फैक्टर क्या बनेंगे देखो, प्लस माइनस 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, प्लस माइनस 2 से भी, प्लस माइनस 3 से तो होता नहीं, 24 पे जाएगा, प्लस माइनस 5 सिक्स पे नहीं होता, सेवन पे नहीं होता, एट पे नहीं, नाइन पे नहीं, टेन पे, उसके बाद प्लस माइनस 20, तो ये इसके फैक्टर्स बने, आर फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर हुए। हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, पहले पी वन से देखते हैं, हमें कोई एक जीरो चाहिए जिससे हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ जाए, कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ जाए, एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। पहले मैंने प्लस की वैल्यू पुट की, जरूरी नहीं है बच्चों लाइन वाइज पुट करना, तुम इनमें से कोई भी वैल्यू उठा के डायरेक्ट पुट कर सकते हो, मान लो मुझे लग रहा है कि प्लस 5 से आ जाएगा तो मैं सीधा प्लस 5 भी पुट कर सकता हूं,
ठीक है, मान लो माइनस वन से आता है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू माइनस वन भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले वन पुट करके देख रहा हूँ, वन प्लस थर्टीन, वन क्यूब प्लस थर्टीन, वन स्क्वायर प्लस 32, वन प्लस 20, वन प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20। तो देखो साफ पता लग रहा है प्लस के है सब, तो सबका प्लस करके कभी भी मेरे पास जीरो नहीं आएगा, तो इसका मतलब पी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पी माइनस वन वैल्यू पुट करके देखता हूँ इसी में, क्योंकि मुझे एक जीरो तो चाहिए, एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें रिमाइंडर जीरो हो। माइनस वन का क्यूब प्लस 13 माइनस वन स्क्वायर प्लस 32 माइनस वन प्लस 20 माइनस वन, वन का स्क्वायर वन एंड दैट इज 13 माइनस 32 प्लस 20, 13 एंड 20 33, माइनस वन एंड माइनस 32 माइनस 33, तो ये जीरो आ गया। इट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस वन वैल्यू के लिए p माइनस वन की वैल्यू क्या है, जीरो। सो x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ px, जो px गिवन x प्लस वन उसका फैक्टर हुआ। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसे, जो गिवन पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को x प्लस वन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करते हैं, पहले x क्यूब चाहिए, बच्चों डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो x क्यूब चाहिए, यहाँ x है तो एक x तो है हमें, और कितने चाहिए, दो x चाहिए, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर को वन से किया, साइन चेंज, ये कट गई वैल्यू, 13x स्क्वायर और माइनस के x स्क्वायर कितना आया, 12x स्क्वायर, बाकी टर्म्स वैसे की वैसी आ जाएंगी, 32x प्लस 20। अब मुझे 12x स्क्वायर बनाना है, 12x स्क्वायर बनाना है, तो 12x स्क्वायर को x से डिवाइड कर लो, बच गया 12x। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 12 प्लस का 12x, 12x को x से किया 12x स्क्वायर, 12x को 1 से किया प्लस के 12x, साइन चेंज, ये कट गई वैल्यू, यहाँ से 32 में से इसे निकाला 20x प्लस 20, 20x को x से किया तो प्लस 20 की जरूरत है, प्लस 20, 20x प्लस 20, माइनस माइनस कट गए दोनों। एक चीज याद रखना बच्चों, जब ये हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हो ना, तो जब डिवाइड करते हो यहाँ पे जीरो आना जरूरी है, अगर जीरो ना आए इसका मतलब ये मेथड गलत लगा हुआ है तुम लोगों का। ठीक है, कोई ना कोई गलती है, यहाँ पे जीरो आना चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे बनते हैं, यूजिंग द मिडल टर्म स्प्लिट, बिल्कुल ठीक, यूजिंग अ मिडल टर्म स्प्लिट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, फैक्टर बना लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10 इनटू 10x प्लस 2x प्लस 20, एक्स एक्सेस में कॉमन आया, एक्स प्लस 10 प्लस 2 कॉमन आ गया, एक्स प्लस 10, सो फैक्टर आर एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 10। अब देखो एक फैक्टर पहले आ गया था हमारे पास एक्स प्लस 1, दो फैक्टर यहां पे आ गए एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 10, तीन फैक्टर हो गए, आर फैक्टर्स ऑफ पीएक्स, जो हमारे पास पीएक्स गिवन थी। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसीजर हो गया, ये एक तरह का तरीका है बच्चों, इसी तरह से निकलते हैं, पहले फैक्टर बना लो, फिर फैक्टर एक एक करके फैक्टर पुट कर लो, तब तक पुट करना है जब तक कोई एक जीरो ना आ जाए, एक रिमाइंडर जीरो, जिससे जीरो आ जाए उससे फैक्टर बन गया, उसी फैक्टर से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडल टर्म स्प्लिट यूज करके फैक्टराइज करके दो फैक्टर बन गए, एक फैक्टर पहले था दो अब आ गए, तो ये तीन फैक्टर्स हमें मिल गए। तो फोर्थ पार्ट अपने आप करना बच्चों इसी क्वेश्चन का। ठीक है, आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6। इसके लिए बच्चों हमें कुछ आइडेंटिटीज तैयार करनी पड़ेंगी, इसके लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक एक करके आइडेंटिटी समझा रहा हूं, इन आइडेंटिटीज को तैयार करना। सबसे पहले आएगी a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस टू ए बी, सेकेंड आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, थर्ड आइडेंटिटी ए स्केयर माइनस बी स्केयर दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, फोर्थ आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी दैट इज एक्स स्केयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। बच्चों ये चार की चार आइडेंटिटीज तुम लोग पहले भी कर चुके हो एट्थ क्लास में, ये चारों की चारों आइडेंटिटीज तुम लोगों ने एट्थ में भी यूज की है, ठीक है। अब आगे आइडेंटिटीज करते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी पहले स्क्वेयर वाली आइडेंटिटीज ही करेंगे। नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। इन आइडेंटिटीज को बच्चों पहले तो याद कर लेना, उसके बाद कॉपी में लिख लेना, ठीक है। बाकी जैसे जैसे तुम लोग इस आइडेंटिटी को यूज करोगे एक्सरसाइज में वैसे वैसे ये आइडेंटिटी याद भी होती जाएंगी। ये आइडेंटिटी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ से लगेंगी, यहां से इधर इस साइड से इधर को भी और इस साइड से इधर को भी, ठीक है। ये इक्वल टू है तो इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड हो गई, इधर इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड। तो ये आइडेंटिटीज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ से लगती है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं क्यूब की आइडेंटिटीज, ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब। तो देखो बच्चो इसके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, एक तो ये आइडेंटिटी। अगर बच्चों इसे मैं सोल्व कर दू ना, थ्री ए बी ब्रैकेट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, अगर मैं इसे सोल्व कर दू मल्टीप्लाई कर दू तो ये बन जाएगा ए क्यूब बी क्यूब थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी, बी से भी मल्टीप्लाई होगा थ्री ए बी स्क्वेयर। तो बच्चों ये दो आइडेंटिटीज है, दोनों सेम ही है, चाहे इसे लगा लो चाहे इसे लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ज्यादातर हम इसे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। याद दोनों ही करनी है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, पहली टर्म को छोड़ के बाकी सब माइनस है। अब इस पे भी सेम अप्लाई करूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थ्री ए बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, एट्थ आइडेंटिटी। एट्थ आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। वैसे ही आइडेंटिटी आती है नाइन्थ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बनेगा ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए। इसमें से बच्चों एक चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वेयर है तो इसे लिख सकते हैं हम ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक तरफ बच्चों इक्वल टू होता है ना, एक तरफ फैक्टर होता है, एक तरफ उसी फैक्टर की एक्सपेंशन होती है, ये चीज याद रखनी है। एक तरफ क्या होता है फैक्टर, एक तरफ क्या होती है उसकी एक्सपेंशन। ये फैक्टर है ये उसकी एक्सपेंशन, ये फैक्टर ये उसकी एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन है। अब देखो फैक्टर कैसे लिखे जाते हैं, फैक्टर ऐसे दो ब्रैकेट्स में होते हैं, फैक्टर ऐसे दो ब्रैकेट्स में होते हैं और जो एक्सपेंशन होती है वो प्लस माइनस साइन में होती है। अब देखो इधर प्लस माइनस साइन है, इधर वैल्यू दो ब्रैकेट्स में है तो ये फैक्टर हो गया, ये एक्सपेंशन होगी, ये दो ब्रैकेट्स में ये फैक्टर हो गया ये एक्सपेंशन होगी। ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसे कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू अगेन इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, तो ये फैक्टर में हो गया ये एक्सपेंशन होगी, ये फैक्टर में हो गया ये एक्सपेंशन, ये भी एक्सपेंशन, फैक्टर एक्सपेंशन, फैक्टर एक्सपेंशन। ये देखो यहां पे
यहां पे प्लस का है, ये क्या है फैक्टर, तो इधर एक्सपेंशन है, उधर क्या है दो ब्रैकेट्स है, इधर क्या है फैक्टर। अब ये क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में होता है कि कैसे लगाना है। क्वेश्चन में अगर फैक्टराइज करने को आ जाए, अगर क्वेश्चन में आ जाए फैक्टराइज दिस, इसका मतलब तुम्हें एक्सपेंशन गिवन है और तुमने उस एक्सपेंशन गिवन एक्सपेंशन से फैक्टर बनाना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए एक्सपेंड, तो इसका मतलब तुम लोगों को फैक्टर गिवन होगा, तुम लोगों ने एक्सपेंशन की तरफ जाना, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर फैक्टर निकालना है तो तुम लोगों को एक्सपेंशन गिवन होगी, अगर एक्सपेंशन निकालना है तो तुम लोगों को फैक्टर गिवन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। 9 हो गए, 10, 10 है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, किसके बराबर होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब देखो यहां पे दो ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट, इसका मतलब इक्वल्स टू के इस साइड आ गया फैक्टर और इस साइड आ गई एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हो गया 10th फार्मूला। 11th फार्मूला, 11th फार्मूला बच्चों इसी से निकला है, 10th फार्मूले से ही 11th फार्मूला बना है। देखो इसमें क्या है, ड्राइव करके दिखा रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, इफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो जाए, तो इस फॉर्मूले में मैंने कहा है ना, ये फॉर्मूला 11th फॉर्मूला 10th से ही ड्राइव किया गया, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड वैसे लिख ली। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो के बराबर है, तो इसकी जगह पे जीरो आ गया इंटू ये वैल्यू वैसे की वैसी ही रहेगी, सारी की सारी, ये सारी की सारी वैल्यू वैसे की वैसी ही रहेगी, जीरो इंटू अगर जीरो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो वो जीरो ही हो जाएगा। अब माइनस के 3ABC उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के, तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ABC। तो इसका मतलब यहां से डेरिवेशन से ये चीज क्लियर होती है, अगर इस फॉर्मूले में, अगर 10th फॉर्मूले में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो जाए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ABC के बराबर होंगे, इक्वल्स टू 3ABC के बराबर होंगे। तो बच्चों ये 11 फार्मूले हैं तुम लोगों के सिलेबस में, इस 11 के 11 फार्मूलों को अच्छी तरह से याद करके लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ऐसे नहीं होगा, लिख लिख के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी जैसे जैसे तुम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे ये फॉर्मूले तैयार होते जाएंगे। ठीक है, अब 2.5 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी की बुक साथ में खोल लेना बच्चों, ठीक है, तो ज्यादा इजी रहेगा, एनसीईआरटी की बुक खोल लेना। 2.5 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, x प्लस 4 x प्लस 10। देखो मुझे फैक्टर गिवन है, फैक्टर गिवन है, फैक्टर कैसे गिवन होते हैं, ऐसे गिवन होते हैं, तो फैक्टर गिवन है मुझे, मैंने क्या करना है इसे एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखो अगर कंपेयर करें तो ये वाली आइडेंटिटी इस पे लग रही है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, आइडेंटिटी लिखनी जरूरी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी, ये आइडेंटिटी लग रही है यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इसमें ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 10, इसमें ए की वैल्यू क्या है 4 और बी की वैल्यू क्या है 10, तो सोल्व करते हैं। पहले क्या बनेगा इससे, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 10 प्लस एक्स प्लस ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 10। ध्यान रखना बच्चों यहां पे एक्स की वैल्यू एक्स है, रीजन मैंने एक्स की वैल्यू एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स की जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू न्यूमेरिकली पुट करनी पड़ेगी, फिर क्वेश्चन में आएगा तब पता लग जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, सोल्व करते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 14 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10 40,
तो ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट x प्लस एट एक्स माइनस टेन, तो देखो x की वैल्यू तो x ही है, सेम आइडेंटिटी लगेगी, सेम आइडेंटिटी, ठीक है। a की वैल्यू 8, b की वैल्यू माइनस टेन, तो ये कितना बन गया, सेम आइडेंटिटी लगेगी। तो पहले एक्स स्क्वेयर, उसके बाद प्लस a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 10, माइनस टेन लगेगा क्योंकि b की वैल्यू माइनस टेन है। x प्लस a की वैल्यू 8, b की वैल्यू माइनस टेन, ये बन गया एक्स स्क्वेयर। 8 में से 10 निकाले 2, माइनस 2x माइनस 80, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में पता लग जाएगा मैंने x की वैल्यू x क्यों लिखता हूं। इस पार्ट में 3x प्लस 4, 3x माइनस 5। अब देखो कंपेयर करके देखो, x की वैल्यू यहां पे क्या है 3x, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है यहां पे 3x, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है माइनस 5। बच्चों इस लाइन को लिखना नहीं, एक चीज याद रखना, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखी है मैंने, इसे लिखना नहीं पेपर में, जो ग्रीन से किया है इसे लिखना नहीं पेपर में, ये समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो x की वैल्यू 3x है, तो x क्या बनेगा x स्क्वायर, x स्क्वायर के कारण जो 3 की x की वैल्यू 3x है तो वो 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू माइनस 5, x की वैल्यू क्या है 3x है, तो 3x लिखना बच्चों, x नहीं लिखना, ऊपर x की वैल्यू x ही थी इसलिए x लिखा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3x इसलिए मैं 3x लिख रहा हूँ, प्लस 4 इंटू माइनस 5, सोल्व कर लो ये बन गया 9x स्क्वायर, 5 में से ये निकाले माइनस 1, तो माइनस 3x माइनस के 20 हो गया, सोल्व, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू बच्चों।